आज हम लोग लॉज ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे और लॉज ऑफ फंक्शन अपने सेकंड माइनर के सिलेबस में है और ये 9 प्लस का टॉपिक है जिसे हम लोग रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा हम लोग फास्ट यहां पर चेक करेंगे क्योंकि पहले से आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, तो देखते हैं इसमें वन बाय वन जो भी टॉपिक है अपने सिलेबस में। सबसे फर्स्ट हम लोग टॉपिक इसमें लेंगे इनर्शिया। फर्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे और इनर्शिया जो है ये गैलीलियो का लॉ था, इसलिए इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनर्शिया को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनर्शिया के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनर्शिया की डेफिनेशन पर आते हैं और इसे समझते हैं इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन अपना की कोई भी बॉडी अगर सेल्फ अपने पोजीशन को चेंज ना कर पाए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे और स्टेट में हम लोग लेंगे, पोजिशन भी ले सकते हैं हम लोग। तो पोजिशन में वेन ए बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट स्टेट से हम लोग यहां मीनिंग रखेंगे स्टेट मीन्स रेस मोशन एंड डायरेक्शन। When a body is unable to change its state, that is this motion and direction by itself, is known as inertia. यानी हमने यहाँ पर डिस्कस किया इनर्शिया के डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट दैट इज स्टेट ऑफ प्लेस स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन अगर सेल्फ चेंज ना कर पाए तो उसको उसी से हम लोग क्या करें इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लोग इनर्शिया के टाइप्स पर जाएंगे नहीं तो क्लियर होगा कि कोई भी बॉडी अपने सेल्फ स्टेट को चेंज ना कर पाए उसको हम लोग इनर्शिया बोल रहे हैं, चाहे वो इनर्शिया ऑफ प्लेस हो चाहे इनर्शिया ऑफ मोशन चाहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो। इसको हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हम लोग आएंगे और इनर्शिया के थ्री टाइप्स हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया के कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड है अपने पास इनर्शिया का टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अभी हमने इनर्शिया के डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि मेरे बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम डिस्कस करेंगे कि मेरे बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स state of rest by itself, its state of rest by itself, state of rest by itself. यानी inertia of rest क्या होगा? मैंने body is unable to change its state of rest by itself. यानी कोई भी body अगर rest में है तो rest में रहे, वो self अपने position को change ना कर पाए, इसे हम लोग inertia of rest बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में और इसमें भी सिमिलर सा डेफिनेशन हम यूज करेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। यानी इनर्शिया ऑफ मोशन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया, तो मेरे बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। यानी कोई भी बॉडी अगर मूविंग है तो मूविंग नहीं रहेगा, सिर्फ अपने पोजीशन को चेंज ना कर पाए, ना तो मूविंग को अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाए और ना ही वो मूविंग से रेस्ट में हो पाए। तो हम लोग उसे इनर्शिया ऑफ मोशन से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हम लोग
When a body is unable to change, when a body is unable to change its state of direction, its state of direction by itself, state of direction by itself is known as inertia of direction. तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि कोई भी बॉडी सेल्फ अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर पाए, उसे हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से डिफाइन करेंगे. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट दैट इज व्हेन अ बॉडी इज अनएबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एंड व्हेन अ बॉडी इज अनएबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ is known as inertia of motion, and when the body is unable to change its state of direction by itself is known as inertia of direction. तो laws of motion की starting हम लोगों ने inertia से start किया, पहले हमने inertia को define किया, और inertia जो ये law है ये Galileo का है, ये Newton का law नहीं है. बाकी laws of motion हम लोग three laws of motion define करेंगे one by one. तो वो जो laws of motion है वो Newton's laws of motion है, लेकिन हम लोग यहाँ पर inertia को define कर रहे हैं. और इनर्शिया अपने पास क्या है, इनर्शिया गैलीलियो का लॉ. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनर्शिया रिगार्डिंग, हम लोग उसे भी चेक करते हैं यहां पर. एक तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास इनर्शिया के लिए कि इनर्शिया इज डायरेक्टली, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास of the body, mass of the body. Inertia directly proportional to mass of the body means inertia is proportional to mass of the body. Inertia is proportional to mass of the body. Means example के तौर पर अगर हम लोग बात करें और इसे समझे, सपोज कर ले अपने पास दो व्हीकल है, एक अपने पास साइकिल है और दूसरा अपने पास ट्रक है. दूसरा अपने पास ट्रक है, तो साइकिल के मास को अगर हम लोग एम सी मान लें, दैट इज मास ऑफ साइकिल, एंड ट्रक के मास को अगर हम लोग एम टी मान लें, दैट इज मास ऑफ ट्रक, तो हमें पता है कि मास ऑफ ट्रक विल बी मोर देन मास ऑफ साइकिल. सो एज पर द कंडीशन इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो हियर इनर्शिया inertia of truck, inertia of truck will be more than inertia of cycle. और ऐसे क्यों है, क्योंकि जो ट्रक का मास है वो ट्रक का मास ज्यादा है इसके साइकिल के मास से, इसलिए ट्रक पर इनर्शिया भी जो होगा वो साइकिल के इनर्शिया से ज्यादा होगा. तो इस तरह से हमने इनर्शिया को डिफाइन किया. इनर्शिया जो है अपने पास इनर्शिया के डेफिनेशन हमने लिया, उसके बाद इनर्शिया के टाइप्स लिया, फिर इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी के, हमने एक एग्जांपल से भी समझा कि इनर्शिया किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब हम लोग आएंगे लॉज ऑफ मोशन पर, और लॉज ऑफ मोशन में हम लोग वन बाई वन करके लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं वन बाई वन लॉज ऑफ मोशन कौन सा है अपना. उसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ मोशन की बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ मोशन क्या है और फर्स्ट ऑफ मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, उसको चेक करते हैं हम वन बाई वन. तो अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर आएंगे और उसमें लॉज ऑफ मोशन पर डिस्कस करेंगे. उससे पहले हमने इनर्शिया पर डिस्कशन किया था कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, उसी तरह से हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर आएंगे. और ये लॉज ऑफ मोशन जो ये न्यूटन ने दिया था इसलिए इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम. ये न्यूटन ने दिया था इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं. न्यूटन ने थ्री लॉज ऑफ मोशन दिया था, न्यूटन ने थ्री लॉज ऑफ मोशन दिया था जिसमें फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ. अब यहां पर एक क्वेश्चन ये रह जाता है कि न्यूटन ने थ्री लॉज ऑफ मोशन क्यों दिया,
उन दिनों यूएस कोर्स में कोर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और फोर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहा था और न्यूटन ने फोर्स को डिस्कशन के लिए थ्री लॉज ऑफ मोशन दिए क्योंकि इन थ्री लॉज से फोर्स का कंप्लीट डिस्कशन हो जाता है। तो न्यूटन ने इसलिए वन बाई वन करके दिया कि सबसे पहले न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया, उसके बाद न्यूटन ने फोर्स को कैलकुलेट किया और उसके बाद न्यूटन ने फोर्स को अप्लाई किया, दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन। तो इसलिए न्यूटन ने वन बाई वन करके इन्हीं की कंप्लीट डिस्कशन के लिए इस लॉ ऑफ मोशन को लिया, फर्स्ट लॉ उसने लिया, फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया, यानी फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने फोर्स का डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। सेकंड लॉ में न्यूटन ने फोर्स के कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डिटेल डिस्कशन किया। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या किया कि उसमें उसने एप्लीकेशन सिखाया कि किस तरह से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर बॉडी पर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन के बारे में थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर डिस्कस किया। हम लोग वन बाई वन करके लॉज ऑफ मोशन पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेते हैं और उसमें देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सबसे पहले चीज न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें फोर्स के डेफिनेशन के बारे में बताता है। सेकंड जो आपके पास है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस तरह के डेफिनेशन को बताता है, तो यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में बताता है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। यानी फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसमें भी किस तरह का डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आगे हम लोग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की भी बात करेंगे और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमें न्यूटन सेकंड लॉ में मिलता है। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन पर आते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, स्टिल इन रेस्ट, स्टिल इन रेस्ट, यानी इसका मीनिंग है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, स्टिल इन रेस्ट, एंड इफ एनी बॉडी, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, स्टिल इन मोशन, स्टिल इन मोशन, यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और उसे डिस्टर्बेंस का नेम न्यूटन ने आगे चल के फोर्स दिया। यानी डेफिनेशन की हम लोग बात करें कि एनी बॉडी इज इन रेस्ट, स्टिल इन रेस्ट, यानी कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, एंड इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है, स्टिल इन मोशन। कब तक रहेगा ऐसा, जब तक हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मींस अनलेस अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रहे, कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाह रहे, ऐसा कब तक होगा, जब तक हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी बन जाएगी कि वो मोशन में आ जाए, या फिर हो सकता है मोशन में एक्चुअल में भी आ जाए, टेंडेंसी होगी वो मोशन में आना चाहिए। अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको हम लोग अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो वो बॉडी क्या हो रेस्ट में, उसकी टेंडेंसी बनी वो रेस्ट में है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो। तो ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन, कि किस तरह से न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया, और इसी को जो यहाँ पे किया कि यही अपने पास फोर्स का डेफिनेशन था कि किस तरह से यहाँ पर जो एक्सटर्नल चीज है ये डिफाइन करता है फोर्स को। तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि किस तरह की है कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या किया, फोर्स को डिफाइन किया। अब हम लोग आएंगे सेकंड लॉ में, और सेकंड लॉ से पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में, और दो तरह के मोमेंटम होते हैं, लेकिन अपना जो डिस्कशन यहाँ वो लीनियर मोमेंटम पर है।
लीनियर मोमेंट पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल लॉ में यूज होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करें, मोमेंटम है क्या, उसके डिस्कशन के बाद हम लोग सेकंड लॉ पर आएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम हमारे सेकंड लॉ में यूज होगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, और फर्स्ट लॉ में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स का डेफिनेशन दे रहा है, और तीसरा का डेफिनेशन दे रहा है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है। यहां पर हमने डिटेल डिस्कशन देखा लोगस फर्स्ट लॉ का, जो स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, डेफिनेशन दैट इज स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगस फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट के बाद जो है हम लोग सेकंड लॉ से पहले लीनियर मोमेंटम। अब हम लीनियर मोमेंटम के डेफिनेशन पर काम करेंगे। क्या है लीनियर मोमेंटम, तो सिंपल सा डेफिनेशन है लीनियर मोमेंटम का, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। और ध्यान रखेंगे कि यहां पर किस मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है इसका मीनिंग है इसके पास मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड जो क्लियर है, अब हम डायरेक्शन की बात करें, मोमेंटम का डायरेक्शन किस साइड है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन उसी साइड है जिससे बॉडी का मोशन है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी मोमेंटम का डायरेक्शन इस साइड है, जिस साइड बॉडी का मोशन है उसी साइड हमें मोमेंटम का डायरेक्शन है। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें कि फॉर्मूला क्या होगा लीनियर मोमेंटम का, तो फॉर्मूले पर आते हैं और फॉर्मूला चेक करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, और ये है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास मोमेंटम के लिए, जहां पर पी क्या है, वेट पी इज मोमेंटम, पी इज मोमेंटम, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। तो ये हमने मोमेंटम को डिफाइन कर लिया। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर है, स्केलर नहीं है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्शन को शो कर रखा है कि किस तरह से होगा, और मैग्नीट्यूड हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि किस तरह से होगा। अब एक चीज यहाँ पर और है कि मोमेंटम का जो है, मोमेंटम को पी से डिनोट किया, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। तो अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, मोमेंटम के एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो ये है अपना मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड जो होगा वो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा। और इस मोमेंटम को हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम लोग इसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज करने वाले हैं। इस मोमेंटम को यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके स्टेटमेंट पर आएंगे, और उसके बाद हम लोग सेकंड लॉ के बाद फाइनल हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, जिस फोर्स के बारे में न्यूटन ने यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन किया था उसका डेफिनेशन, इसी फोर्स का फॉर्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर आएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पर आएंगे, स्टेटमेंट और इसके स्टेटमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो ये स्टेटमेंट हमने लिया है वेक्यूम चेंजर मिनिमम वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स वही एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी हम लोग बात फर्स्ट लॉ क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एक चीज और कभी लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था, तो ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम के बारे में हमारे पास आईडिया है इसलिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था। तब हम लोग इसके मैथमेटिकल टर्म्स बनाएंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो उस पर आते हैं। तो सबसे पहले वेक्यूम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो पहले लीनियर मोमेंटम अपने पास क्या है ये तो अपने को क्लियर है कि लीनियर मोमेंटम क्या है। तो लीनियर मोमेंटम पहले लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम अपने पास पी है और पी जो है एम डी के इक्वल। अब हम लोग कहेंगे यहां पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हमने लिखा है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है अपने पास इसको अगर हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये डेल्टा पी जो अपने पास है ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हम लोग मास मल्टीप्लाई बाय टाइम फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इनिशियल मोमेंटम को हम लोग इनिशियल मोमेंटम को मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इनको हम एक साथ आगे लिखे, ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। यहां से इनको अगर फॉर्मल ले लिया जाए तो v माइनस ई वाई जेड, इसको इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमने चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया एज पर द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका हमें क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपना इतना आ गया, अब इसका रेट निकालते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा आपके पास डेल पी बाई डेल पी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज है ये। तो डेल्टा पी हम लोग फाइंड आउट कर चुके, उसको डेल्टा पी से हमने वो टाइम अपने पास उस हमने डिवाइड कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज आ गया। और डेल्टा पी अपने पास है एम वी माइनस यू, देन एम वी माइनस यू और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ले लेते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो अपने पास है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग यहां से निकाल चुके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो अपने पास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स एफ ले लेते हैं, ये अपने पास अप्लाइड फोर्स है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है। तो यहां से अपने पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी एफ जो है अपने पास वो एक प्रोपोर्शनल है एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी के। अगर यहां से इक्वल करें हम लोग तो यह जाएगा के एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी के, और यहां पर की जो है कॉन्स्टेंट है, यहां पर जो की अपने पास ये कॉन्स्टेंट है और इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू हम लोग यहां पर वन रख लेते हैं, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू वन रखते हैं जो अपने पास बनेगा ये यहां से एफ तो हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, और ये हमने पहले देखा हुआ है कि जो v माइनस u बाई टी है ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग इसे रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास f इज इक्वल टू एम ए, ये अपने पास फोर्स, m अपने पास मास है और a अपने पास एक्सेलरेशन है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया। तो न्यूटन का मेन टारगेट क्या था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, यानी हमने पहले स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलेगा और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का कैलकुलेशन मिलेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फोर्स का कैलकुलेशन फाइंड आउट किया, इसके साथ साथ ये फोर्स का जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि फोर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वालिटेटिव डेफिनेशन मिलेगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मिलेगा, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन,
तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का मीनिंग फोर्स को कैलकुलेट हम लोग कैसे कर सके, यहां पर हमने देखा है फोर्स का अपना फार्मूला बनाया, तो ये स्टेटमेंट हमने ले लिया। स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये स्टेटमेंट होगा। इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली यहां पर यूज किया है, क्योंकि सर हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो मैथमेटिकली हमने यहां पर यूज करते हुए इस फार्मूले को बनाया और वन बाय वन हमने स्टेप वाइज फार्मूला बनाया। सबसे पहले हमने लीनियर मोमेंटम निकाला, लीनियर मोमेंटम एम वी इक्वल होगा, फिर चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम और एक्सेलरेशन मोमेंटम, तो डेल्टा पी से हमने चेंज ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर दिया, एम वी फाइनल मोमेंटम है, एम वी इनिशियल मोमेंटम है, तो डेल्टा पी एम वी माइनस एम यू, एम को कॉमन ले लिया तो एम वी माइनस यू, इसको हमने इक्वेशन वन लिया था। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। तो ये आ गया आपके पास यहां से एम वी माइनस यू बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा दिया अप्लाइड फोर्स से। तो अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई माइनस यू बाय टी की, और ए जो है अपने पास हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में जब चेंज कर दिया, कांस्टेंट टाइम इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने 1 कर दिया, तो फाइनल अपने पास एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाय डेल्टा टी आ गया, और वी माइनस यू बाय डेल्टा टी जो है अपने पास फॉर एक्सेलरेशन के इक्वल है, यहां से एफ इक्वल्स टू एम वी फार्मूला हमने बना लिया, और ये अपने पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। हम लोग यहां से ये फार्मूला जो अपने पास है फोर्स का, वो दोनों फार्मूले हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी एम एक तो वी माइनस यू बाय डेल्टा टी और उसके साथ साथ एम ए, तो जिस तरह के प्रॉब्लम अपने पास गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर ये दे रखा है वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल,